आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना से तात्पर्य है गुणसूत्र के दो सेट उपस्थित रहना। तो पहला ऑप्शन है हमारा अंडाणु। तो अंडाणु के बारे में यहाँ देखें तो अंडाणु किसके द्वारा बनता है? जो मादा के अंडाशय होता है, अंडाशय इसमें क्या उपस्थित रहती है? अंड जननी क्या उपस्थित रहती है? कोशिकाएं उपस्थित रहती है द्विगुणित प्रकार की। यहाँ पर ये कैसी होंगी? द्विगुणित प्रकार की होंगी। अब इनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इनमें? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या बना लेती हैं? प्राथमिक अंडक बना लेती हैं। प्राथमिक अंडक बना लेंगी, ठीक है। प्राथमिक अंडक के बाद अब ये प्राथमिक अंडक भी द्विगुणित प्रकार का होगा। प्राथमिक अंडक क्या होगा? आकार में वृद्धि कर लेगा और अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इसमें? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये कौन सा कोशिका बना लेंगे? द्वितीयक अंडक बना लेंगे। अब जो द्वितीयक अंडक होगा ये अगुणित प्रकार का होगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहा है ये। अब इसमें समसूत्री विभाजन, द्वितीयक अंडक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और किसका निर्माण कर लेंगे ये? अंडक का निर्माण, अंडाणु का निर्माण कर देते हैं। और जो किस प्रकार का होता है? अगुणित प्रकार का होता है क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक अंडक में समसूत्री विभाजन हो रहा है जो कि किस प्रकार का है? अगुणित प्रकार का है। तो ये भी किस प्रकार का होगा? अगुणित प्रकार का होगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम शुक्राणु देखते हैं। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पर हमें पता है कि वृषण की कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु, जो शुक्राणु शुक्रजन नलिका होती है उसमें से क्या निकलती? नर जर्म कोशिका निकलती है। और ये किस प्रकार की होगी? ये किस प्रकार की होगी? द्विगुणित प्रकार की होगी, ठीक है। द्विगुणित प्रकार की होती है। अब इसमें क्या होता है? नर जर्म कोशिका में इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या बना लेती है? यहाँ पर समसूत्री विभाजन के द्वारा ये प्राथमिक शुक्राणु, यहाँ पर देखते हैं ये बना लेती है प्राथमिक शुक्राणु, शुक्राणु प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, ठीक है। प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। और ये द्विगुणित प्रकार की होती है क्योंकि समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है। अब ये प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका होती है, आकार में वृद्धि कर लेती है। अब इनमें क्या होता है? अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या बना लेंगे? द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिका, शुक्राणु जन कोशिका बना लेंगे, जनन कोशिका हम कह सकते हैं इनको। अब ये किस प्रकार की होंगी? ये अगुणित प्रकार की होंगी क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बन रही है। अब इनमें क्या होगा? द्वितीय शुक्राणु जन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या बना लेते हैं? यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? शुक्राणु का, ठीक है, शुक्राणु। अब ये किस प्रकार के होंगे? अगुणित प्रकार के होंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि द्वितीय शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं वो अगुणित प्रकार की हैं। अब इनमें समसूत्री विभाजन द्वारा ये बन रहे हैं। तो ये भी किस प्रकार का होगा? अगुणित प्रकार का होगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं युग्मनस। युग्मनस का निर्माण हमें पता है कैसे होता है। यहाँ पर देखें कि क्या होता है? शुक्राणु जो किस प्रकार का होता है? अगुणित प्रकार का। और अंडाणु जो भी किस प्रकार का होता है? अगुणित प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं। दोनों क्या होंगी? कोशिका होंगी। अब ये क्या करती हैं? संलयित होती हैं। संलयित यानी कि निषेचन द्वारा संलयित होकर निषेचन करती हैं, निषेचन। अब निषेचन के द्वारा क्या होता है इनमें? निषेचन द्वारा क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज बनता है। अब युग्मनज जो होता है वो किस प्रकार का होगा? द्विगुणित प्रकार का होगा क्योंकि हम देख रहे हैं ये द्विगुणित होगा। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक शुक्राणु जो कैसा है? अगुणित प्रकार का। और एक अंडाणु कोशिका जो कैसा है? अगुणित प्रकार का। ये दोनों संलयित हो रहे हैं, निषेचन द्वारा क्या बना रहे हैं? युग्मनज, द्विगुणित प्रकार का। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये द्विगुणित संरचना होती है, दो अगुणित संरचना के संलयन से बनती है। अब ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सही, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।